खैरियत से होगे भाइयों। और आज हमारा दोबारा से प्रोग्राम है माशाल्लाह यहाँ का बुराबी का, और आज हमारे साथ हैं हारून भाई। हारून भाई के साथ आए हुए हैं और इंशाल्लाह ये बताएंगे अपनी जबानी भाई आज हमारे साथ आए हो जैसा क्या होगा भाई। इंशाल्लाह देखते हैं कि फिशिंग करेंगे यहाँ पर आए भाई के साथ के अच्छी से फिशिंग कर सकें, तो इंशाल्लाह देखते हैं। शिकार तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत जगहों पे खेला है, अभी इस जगह का ये इनका तजर्बा पहली दफ़ा का है, तो देखेंगे अल्लाह मालिक के क्या होता है। हारून भाई के साथ हम भी मेहनत करेंगे, अभी हम यहाँ बर्फ़ खाने से बर्फ़ ले रहे हैं। और हारून भाई कहाँ रिहाइश है आपकी? हमारी नाजमाबाद। तो अभी हम लोग यहाँ से बर्फ़ लेके फिर चलते हैं जेटी पे और सारे लोगों से अपने दोस्तों से मिलवाएंगे इंशाल्लाह, और फिर क्या कर देंगे एंड कर देंगे एंड कर देंगे। तो चलते हैं बर्फ़ लेते हैं। ये बर्फ़ की जो जगह है ना भाई आपको दिखाएं, यहाँ से जो कट है ना, कट से पहले ही बर्फ़ की जगह है। और ये बर्फ़ का ब्लाक हमारे को भाई ने कितने का दिया भाई? ब्लाक 800 रुपये का ब्लाक दिया भाई, माशाल्लाह बेहतरीन। कितने नहीं आएगा ऐसे ही खड़ा कर, नीचे नहीं रखना बस रखा भाई, डर जाएंगे लोग नाम सुन के। कैसा रख दिया आपने बंदे का भाई? आजकल नाम है अच्छा अलग नाम है रघु भाई। तो आपका नाम क्या है? माशूक। अच्छा, और ये बोल रहे पहले आशिक थे ये? आशिक माशूक नाम है कि? अच्छा ये सारे हंस रहे भाई। हमने बर्फ़ लेके और अभी हम निकल गए अपने रास्ते पे, और ये रास्ता देख सकते हैं, और ये हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे हैं, और ये तीन बंदे हैं अपनी गाड़ी में, एक गाड़ी हमारी कल्टस पीछे आ रही है। यारा सारा सामान इस पे रखेंगे ना, ये कश्ती पे VIP कश्ती है भाई, और असल कश्ती हमारी वो खड़ी हुई, और माशाल्लाह जेटी पूरी बन रही है, तैयार हो रही है। तो अभी हम इस पे सामान जा रहे हैं। इस वक्त अभी हम ऊँट वाली जागीर पे पहुंच चुके हैं, देखें माशाल्लाह ऊँट कितने सारे ऊँट हैं जंगल के अंदर, और दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कोई किनारा इधर कि कोई गाँव हुआ कुछ हो, और ये जंगल के अंदर देखें ऊँट क्या बात है भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊँट भी हैं, ऊँट के बच्चे भी हैं, और इस जागीर का नाम है भाई ऊँट वाली। अभी ऊँट वाली से हम कोई भी मछली पकड़ेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। और देखें मैं कैमरा ऊपर करता हूँ, आप देखें कितने ऊँट हैं, किधर काफी वो आगे तक। अरे भाई बहुत ऊँट है यार। तो भाई ऊँट वाली जागीर पे अभी हम पहुंच चुके हैं, कश्ती हमने रोक दी है, और ये देखें कितने ऊँट हैं। अब कोशिश करेंगे कि यहाँ मछली लगे हमें, और ऊँट का दूध भी लेंगे इनसे, ऊँट वालों से, जबरदस्त लाठी है भाई, कुकड़ी है कुकड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। आज का पहला मछली और आज के किंग। हाँ भाई आज का किंग कौन है? अच्छा मुंबई का किंग कॉन्ग रिकू मात्रे, और ये यहाँ के किंग कॉन्ग। जबरदस्त भाई बेहतरीन एंड हो गया माशाल्लाह से। शकील भाई दाना निकालते हुए माशाल्लाह भाई, भाई दूसरा दाना लग चुका है फिर है। अल्लाह से दूसरा साहब है। ऊंट वाली पे खड़े हैं हम लोग। हाँ ये जबरदस्त साइज का देखें माशाल्लाह लाजवाब एंड हो गया भाई। और बैटिंग करते हुए भाई ये चारा लगाया था बोई, और बोई के ऊपर आया हीरा है, ये देखें ये माशाल्लाह भाई हीरा आ गया भाई जबरदस्त। पॉइंट पे आ गए हैं, और ये चक्की का आटा है जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि वैसे भी मैंने वीडियो डाली है, और ये है खोया VIP, और ये है मक्खन, ये देखें। तो ये आटा है और इसके अंदर है चोकर, ये हम इसके अंदर मिला रहे हैं चोकर चक्की के आटे के अंदर, उसको सही से मिलाकर इसमें हम इसको मीठे पानी से गूंदेंगे, और आपको दिखाएंगे इसके ऊपर फिशिंग क्या होती है। जैसे कि खोया देखें VIP है ना, और मक्खन डाल लें इसमें,
मछली को खिलाएंगे हम खोया और मक्खन, ये देखते हैं मछली कैसी आती है, आती भी है या नहीं आती है आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, और अभी हम इसको गूंद रहे हैं मीठे पानी से आटे को ना, आटा हम गूंद रहे हैं मीठे पानी से ना, और एंड में हम खोया डालेंगे इसमें थोड़ा सा गूंद जाएगा। तो दोस्तों ये भाई मक्खन और खोए और मक्खन वाला आटा तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर देखते हैं क्या फिशिंग होती है। तो चलते हैं फिशिंग स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर एंड हो जाएगा एंड। दोस्तों अभी जैसा कि अभी हमने आटा बनाया था खोए वाला, तो अभी उस पर तो हमने मछली नहीं मारी, मगर ये है कि ये झींगे पे मछली मारी है, काले दंदी है, बहुत ज़बरदस्त साइज़ के लग रहे हैं। चल रहा मोहम्मद अली भाई को भी मछली आ गया है, बेहतरीन साइज़ का कुकड़ी, ये देखें क्या बात है, मोहम्मद अली भाई कुकड़ी पकड़ लिया बेहतरीन। मछली फंस गया था मेरा जो है ना भाई, मछली आटे के ऊपर आया और ये जो है ना काला दंदिया पत्थर में बैठ गया है। ये भाई निकालने के लिए गए, देखते हैं निकालते हैं क्या करते हैं। हैगा मछली हैगा? हाँ मछली है ना, काला दंदिया भाई देखो पत्थर में बैठ गया था, मैंने इसको खींचा नहीं, भाई ने बोला मैं निकाल के देता हूँ, ये मोहब्बत है भाई इनकी, ये निकालने के लिए गए। हमारे सारे साथी भाई लांच में डोरियां लगा के बैठे हुए हैं, देखें ये निकाल लिया भाई काला दंदिया, क्या बात है यार ज़बरदस्त बेहतरीन, आ जाओ एंड हो गया एंड, क्या बात है आने दो। अभी अभी एक दाना निकाला है और दूसरा दाना दौर पे आ गया है, तो मैं आपको दिखाऊं, दोनों दाने दिखाऊंगा मैं आपको, ये निकाल लूँ पहले। दो एक साथ निकाले मैंने, ये देखो क्या हो गया भाई, एंड हो गया, एंड है, एंड हो गया भाई, एंड हो गया भाई, एंड है। ऊंट के दूध की चाय लेकर आ गए अभी बुल्ला भाई, देखा पूरी केतली लेकर आ गए, या भाई लिया आगे लिया, क्या बात है यार जबरदस्त, रख ले पी ले पूरी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऊंट के दूध की चाय बिल्कुल सच बात है। और ये देखे माशाल्लाह काले दंदियों की बारिश करी हुई है, ये आपके सामने आपको दिखाते हैं, ये देखे माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा, नहीं 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 भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, शाम का टाइम है, चाय आ गई हमारी भाई, माशाल्लाह भाई मामन भाई ने एंड कर दिया यार कसम से, जबरदस्त ऊपर करो मामन भाई, भाई मामन भाई को मैंने समझाया इस तरह से शिकार खेलो, और इंशाल्लाह माशाल्लाह मार दिया भाई मामन भाई ने झींगे के ऊपर, कनर्चा ऊपर उठाओ थोड़ा साइज तो देखो यार, माशाल्लाह बिग साइज है भाई, बहुत दूर से वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों माशाल्लाह ये देखें एक साथ दो दो दंदिया आ गए, और मैंने डोरी जाके ना ऐसी सीधी पानी में फेंकी थी, और साइज देखो भाई जोड़ी जोड़ी दंदियों के, एंड हो गया एंड, ये देखो भाई मेरी डोरी है, और ये दंदिये हैं काले दंदिये वीआईपी, चल रहा ही नहीं है, देखें क्या बात है भाई, औजार नहीं है फिर भी मछली बना रहे हो, इन्होंने दांतों से कांटे काटे भाई, ऐसे ही कैसे काटे कांटे इसके दांतों से, दांतों से इधर दिखाना दांत अपने, अरे दांत तो बड़ा टाइट है तुम्हारा अदा बाबा, तुम तो बड़ा कारीगर आदमी है, कनर्चा उठा के दिखाओ, कनर्चा देखो भाई माशाल्लाह कनर्चा बहुत बड़ा साइज है, एंड जबरदस्त एंड हो गया। दोस्तों रात का टाइम है अभी, माशाल्लाह बैक टू बैक शिकार चल रहा है, देखें काले दंदियों का, और बहुत अच्छे साइज के दंदिये लग रहे हैं, मैं आपको हाथ में उठा के दिखाऊँ, दंदिया देखें बेहतरीन साइज और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, इंशाल्लाह आपको और दिखाएंगे शिकार। दोस्तों बिग साइज का दंदिया है, ये देखो सारे दोस्त लांच में बैठ गए और मैं अकेला डोरी कर रहा हूँ इधर उतर के, और साइज देखो दंदिये का, हाँ भाई कैसा है, बिस्मिल्ला। दोस्तों माशाल्लाह आज का पहला डांगरी बाहर आ गया, जैसे कुकड़ी दंदी है भरपूर मार रहे थे, और ये देखो
साइज देखो, साइज का डांगरी आ गया भाई। क्या कहते हो आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है भाई। पहली हमारी शुरुआत हुई है ये डांगरी की। कैसे लग रहे थे? काले धंधे तो माशाल्लाह मारे, लेकिन अभी ये पहली शुरुआत है। रात को अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। ये वाला हाथ हटाए कैमरे से। हाँ बस सही, अब आ रहे भाई। ये आज है 4 अक्टूबर 2023 और आप देख सकते हैं आज माशाल्लाह मेरे दोस्त के साथ में आया। क्या कहोगे भाई आज? मैं कह रहा हूं हैंड हो गया माशाल्लाह। आप वीडियो में देखा करते थे, आज शकील भाई को लाइव देखा। जो शकील भाई ने वीडियो में देखा बिल्कुल वैसे ही देखा हमने यहाँ पे देखा आज, कि शकील भाई ने एक और जो है ना माशाल्लाह से जो है ना इब्तिदा कर दी टांगरी से जो है ना माशाल्लाह से। और कुकड़ी धंधे का शिकार, कुकड़ी काले धंधे तो मतलब ये है कि माशाल्लाह वो तो कर ही रहे हैं, इसने पकड़ ही रहे हैं, लेकिन जो है ना ये है कि डांगरी जो है ना पहला जो है ना हमने कैच कर लिया माशाल्लाह। वीडियो में डांगरियां देख रहे थे अक्सर लोग, बोल रहे हैं यार ये कैसे मार रहा है, आज आपको नजारे भी करा दिए माशाल्लाह। है तजर्बा? नहीं, बिल्कुल तजर्बा है दोस्तों। ये छोटा सा तजर्बा है हमारा, इससे हम मछली पकड़ रहे हैं, झींगा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्राइयां कर रहे हैं, और ये डांगरी किस तरह से हम बाहर कर रहे हैं। फिर क्या हो गया भाई? हैंड हो गया दोस्तों माशाल्लाह से। जैसे कि मैं काले धंधे का शिकार खेल रहा था और एक माशाल्लाह बिग साइज का डांगरी आ गया। ये देखे वीआईपी आपके सामने डांगरी मार दी। अभी डांगरी को इसको हम आइस बॉक्स कर रहे हैं और जो धंधे मारे वो भी रख रहे हैं। ये देखे माशाल्लाह बर्फ के ऊपर सेट कर दें इसको भाई, ताकि ये जो है खराब ना हो। ये देखे काले धंधे भी भाई भरपूर लगे माशाल्लाह। इसको रख दिया हमने और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे शिकार बेहतरीन सा जबरदस्त। चले ओके एंड दोस्तों, बाकी मछली तो अभी आइस बॉक्स कर दी है, डांगरी वगैरह धंधी अभी पूरी तरह से सारे साथी सो चुके हैं और अभी एक कुकड़ी लगा है बड़ी मुश्किलों से भाई। चांद निकला हुआ है मगर फिर भी मछली बहुत तकड़े से खा रहा है। तो ये एक कुकड़ी मैंने मारा अभी और दोबारा ट्राइयाँ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका फूल भी निकालते हैं मुँह से, बहुत अच्छे साइज का कुकड़ी है दोस्तों। अभी एक कुकड़ी मारा था और माशाल्लाह दो और लग गए। ये देखिए रात के तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 3 बज रहे हैं और 3 बजे के टाइम ये मछली ने खाना शुरू किया है। देखें कुकड़ी लग रहे तो इंशाल्लाह आपको और दिखाते हैं शिकार आगे। अकेला हूँ भाई, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है रात के टाइम वीडियो बनाना और ना कोई मेरे साथ कैमरा मैन है दोस्तों। जैसे कि अभी 3 दाने मारे थे मैंने, एक बेहतरीन साइज का कुकड़ी लग गया है। साइज देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह। तो भाई 4 दाने हो चुके हैं अभी और ट्राइयाँ चल रही हैं। ये देखो जंबो साइज का कुकड़ी और रात के टाइम लगा वो डोरी करने में अकेला। के बाद एक डांगरी निकाला था मैंने और धंधे मारे थे, अभी एक डांगरी और आ गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डांगरी दिखाऊं मैं आपको, ये देखो बिग साइज का डांगरी है माशाल्लाह। इसकी कली बहुत खतरनाक होती है भाई, हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है। देखो 2 डांगरी हो गए, 2 माशाल्लाह। ये देखो बेहतरीन साइज के डांगरी, अब मैं आपको दिखाऊं। ये देखें बिग साइज के डांगरी आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। और आज 4 अक्टूबर 2023 है भाई, और जो है इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम फैसल भाई के साथ है मेरा, वो भी आपको दिखाएंगे। और सांस फूल गया भाई, मछली को लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। और अकेला शिकार खेल रहा था, साथी आए हुए थे तो सो रहे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे। बाकी ये बिग साइज का डांगरी मार दिया। क्या कहोगे इधर आप? माशाल्लाह बहुत आला। जवाब नहीं है? जवाब नहीं है, एंड कर दिया। इतनी मेहनत करी तुम्हारे सामने यार। इसके अलावा जो माशाल्लाह जो 3 गए वो बड़े, उसका बड़ा अफसोस है ना। और ये भी साइज यार, ये भी माशाल्लाह बिग आला है, आला आला। ऐसे भी दिखा दो, ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई क्या कहते हो? जबरदस्त एंड कर दिया।
एंड करती है। एंड हो गया। हाँ हाँ भाई एंड हो गया। मेहनत है या नहीं? बिल्कुल है, मेहनत बहुत है भाई। और यहाँ पर हम मीलों दूर का सफर कर कर आए हुए, डांगरियाँ मार रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह फटफट कर रहे हैं, दिखाएंगे और कोशिश करेंगे, आपसे वादा नहीं करते, और दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दो दाने इस वक्त हो चुके हैं जी, चले रखते हैं। डांगरियाँ हो गई हैं भाई, माशाल्लाह बेहतरीन। और भी ट्राइयाँ चल रही हैं, माशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बिग साइज का डांगरी है, माशाल्लाह। पहले हमने ये कुकड़ी दंदिए मारे थे, एक डांगरी लगाया मारा था, और अभी देखें ये डांगरी। और बिस्मिल्लाह की बरकत, ये देखें माशाल्लाह। तो अभी इसको हम रखते हैं इसके अंदर आइस बॉक्स में, क्योंकि मछली ख़राब हो जाती है ना भाई। तो इसको रखते हैं और फिर इंशाल्लाह कुकड़ी ये भी रखते हैं। ये दिखाते हैं आपको रखते हुए, ये देखें, और वो साइज़ दिखाते हैं आपको दोनों का साइज़ क्या आता है। एक जैसा है या फ़र्क है? तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये देखें, एंड हो गया। हाँ भाई एंड कर दिया अभी इसको। दोस्तों अपने पॉइंट से अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं और यहाँ पर रात गुजारी, दिन में भी शिकार खेला, लेट बहुत हो गए थे। 24 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम था और हमारे बहुत अच्छे बेहतरीन शिकारी चरना के आज कर दिया शकील भाई ने आज, और एंड कर दिया बेहतरीन डांगरियाँ मारी हैं पूरी रात मेहनत करके, और लाइव देखा और ऐसी एफर्ट दिखाई है कि आप देख सकते हैं ये जगह, यहाँ से ये साइज की डांगरियाँ निकालना कोई मामूली बात भाई। दूसरी बात, आप माशाल्लाह चरना के शिकारी हो, आपका यहाँ आके कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इस साइज की डांगरियाँ शकील भाई निकाल कर दिखा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन साइज की कुकड़ियाँ दंदिया पूरी रात पीटा है इन्होंने माशाल्लाह, और बताते भी रहे, बड़े अच्छे गाइड करते भी रहे कि हमें किस तरीके से डोर बनाकर फेंकनी है वो पकड़ना है, क्योंकि ओपन सी पे शिकार कितना आसान होता है। ओपन पे तो शकील भाई मछली पकड़ती है और निकलती है, लेकिन बस यहाँ मछली को खिलाना पड़ता है, टैकल करना है मछली के साथ आपने। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। तो अभी आगे जा रहे हैं पॉइंट पे, अभी अगले पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ की भी इंशाल्लाह देंगे अपडेट। और कितनी डांगरियां मारी हमने? हमने माशाल्लाह से दो मारी हैं और तीन मिस हो गई, बड़ी बड़ी डांट अपनी डांगरियां थी। सही सही। और हमारे ये फैसल भाई कैसे भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र भाई। देखा आपने डांगरी का शिकार कैसा था? बहुत जबरदस्त था। आपने जब रात में देखी डांगरियां, माशाल्लाह लाजवाब साइज की। सही सही सही, बेहतरीन। सही सही। और अभी हम भाई कश्ती स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ साथी हमारे ये बैठे हुए, इनसे चलते हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? माशाल्लाह आपने बिरयानी का तो जवाब नहीं रखा यार, दिल खुश कर दिया आपने। मछलियों का जवाब नहीं रखा शकील भाई। अच्छा मछली सही मारी भाई, शकील भाई मजा आया, आपने बहुत गाइड करा और मछली भी मार के दिखाया। नहीं मान से बताना, डोर बांधने का, कांटे का तरीका, कैसा खेलना है। इस जगह पर आए और जबरदस्त जागी रही है और बेहतरीन जागी रहे, और पूरे रात मछली लगा, लाइव डांगरी देखा निकलते हुए यार। सही सही। और ये मेरे भाई ने तो माशाल्लाह नींद ऐसी रज के पूरी करी है ना, क्योंकि यार थके हुए थे ना, शिकार पे आते हैं तो थकन भी हो जाती है भाई, बहुत थकन हो गई। तो अभी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं फिर हम। अब हम जा रहे हैं उधर, जरा इंशाल्लाह उधर भी निकालेंगे मछली। सही सही, फिर इंशाल्लाह घर की तरफ जाएंगे, ठीक है? चले भैया हमारी कश्ती स्टार्ट हो रही है, और ये स्टार्ट हो गई कश्ती, एंड हो गया है। दोस्तों माशाल्लाह देखा आपने आज का शिकार, बारामुंडी फिशिंग और डांगरी, आप देख सकते हैं बेहतरीन शिकार हुआ। हाँ भाई आज देख लिया डांगरी का शिकार, VIP कैसा? एंड कर दिया शकील भाई, एंड हो गया। तरीकेकार भी देख लिया, कैसे पकड़ा, कैसे किया है, मजा बहुत जबरदस्त। ये देखें भाई आज का शिकार है हमारा, और लेकिन अच्छे हुए, असल में पानी का थोड़ा सा जो है ना उतार चढ़ाव की वजह से जो है ना हमें ज्यादा कैचेस नहीं हो पाए, लेकिन जो हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए। और वीडियो में डांगरियां देखी थी आपने शकील भाई की, और आपने लाइव देख लिया आज माशाल्लाह,
बिल्कुल बिल्कुल देखी थी कि शकील भाई किस तरह से जो है ना डांगरे की जो है ना कैचेस करते हैं। आज देख भी लिया माशाल्लाह लाइव, लाइव देखा है कि शकील भाई कितनी मेहनत करते हैं सही सही डांगरी को जो है ना कैचेस करने के लिए। और भाई ये आप क्या कहेंगे, मेहनत से टारगेट की जाती है डांगरी, बाकी ये शकील भाई ने आज दिखाया है। ये भी भाई चरने के शिकारी है बेहतरीन, मगर इन्होंने भी यहाँ के जो है तजर्बा किया। क्या रहा तुम्हारा तजर्बा? तजर्बा बहुत अच्छा रहा, लेकिन बस ये था कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मैंग्रोव्स का, तो फिर ये है कि अब माशाल्लाह से डांगरियां ऐसे साइज की जब लगेंगी तो फिर आपको पता है जस्तजू भरती है बंदे की। सही, तो चलते हैं फिशिंग दिखाते हैं भाई जो हमने फिशिंग करी, जिसमें देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज के कुकड़ी है, काले दंदी है, एक दाना हीरे का भी है, और ये देखें, और बहुत कम टाइम मिला फिशिंग करने का, और जिसमें ये देखें बेहतरीन जबरदस्त भाई, इसको हाथ में उठाएं जरा, साइज का अंदाजा हो मेरे भाइयों को। और ये देखें भाई, उठाओ ना यार वाला भी तो उठाओ, ये देखें भाई जबरदस्त साइज। हाँ भाई एंड हो गया शकील भाई, एंड 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 हो गया, एंड हो गया, बेहतरीन रहा माशाल्लाह डांगरी का आपका शिकार देखा। वाह 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 क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अगर वो दो डांगरी भी चढ़ जाते ना तो आज हमारे पास चार होते। हाँ तीन आए थे, तीन तीन मिस हुए। हाँ तीन मिस हुए थे ना, बहुत करीब आके जो जाया हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा दुख है। चलें चलें दोस्तों, और भाई यहीं से प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, देखते रहो शकील फिशिंग फन, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।